भी मदरसे आधुनिकरण टीचरों की आवाज दानिश आजाद अंसारी ने बुलंद करके उनको पैसा दिलाने का काम किया था। तो आप ये सोचिए कि जब इस दानिश आजाद अंसारी के पास कोई ताकत नहीं थी, उस समय दानिश अंसारी ने 9 महीने का पैसा आपको दिलाने का काम किया, तो आज तो ये दानिश आजाद अंसारी आपके एक डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी लेकर बैठा है। उस समय दानिश अंसारी इन टीचरों से मुंह कैसे फेर सकता है ये बताइए। मैंने दानिश अंसारी ने जिस दिन शपथ ली थी, सबसे पहले मैंने जो बात कही थी वो बात कही थी कि जो मदरसे के टीचर है ये उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के ये परिवार के हिस्सा है और इनकी आवाज को बुलंद करने की जो भी जरूरी चीज होगी वो चीज जरूर की जाएगी। जिंदाबाद चुनावी भाषण है, चुनावी घोषणा
में नहीं आया। मैं दानिश आजाद अंसारी कल भी आपकी आवाज आपके हक के लिए लड़ता था, आज भी आपकी आवाज बुलंद करने का काम करता हूं और इंशाल्लाह ऐसे ही मोहब्बत और प्यार मुझ पे बनाए रखिए, आगे भी आपकी आवाज बुलंद करने का काम करूंगा। देखिए मैं आज आपको एक बात पूरे यकीन के साथ आपको आज बात दिला के जा रहा हूं। 22,000 मदरसा आधुनिकरण शिक्षक हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में आधुनिक मदरसा शिक्षा की जिनके कंधों पे जिम्मेदारी है और लंबे समय से केंद्रांश और राज्यांश के चक्कर में आप अक्सर परेशान होते आए, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, हम सबके नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरी संजीदगी से आपके दर्द को समझा है और इंशाल्लाह आपकी समस्या को चंद दिनों में जल्द से मिटाने का काम हमारी मोदी और योगी सरकार का है। इसके लिए शासन स्तर पर बात हुई है, ये मदरसा आधुनिकरण की जो स्कीम है ये हमारे इस शासन काल में हमारे जो भारत रत्न थे पूर्व प्रधानमंत्री जी ने इसको शुरू किया था, अटल बिहारी जी ने इसको शुरू किया था। हमारी सरकार मोदी और योगी सरकार आपके हितों के लिए, आपके विकास के लिए, आपकी